हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल. गुड मॉर्निंग ऑल. गुड मॉर्निंग अमित, निखिल, लविशा, अमित, त्रिचा. हाँ जी, हाँ जी, अमित जी थोड़ा सा लेट हो गया. आई होप मेरी आप लोगों को आवाज़ आ रही है, मेरी वीडियो आप लोगों को दिख रही है. काइंडली कंफर्म, एक बार कंफर्म कर दीजिए. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. सब लोगों को क्लियर दिख रहा है? आई होप सब लोगों को मेरी वीडियो क्लियर दिख रही है. गुड मॉर्निंग ऑल. ठीक है, ठीक है, ओके ओके. चलिए चलिए, सबसे पहले शुरू करते हैं. फिर आज हम लोग शिमला के इतिहास के बारे में 10 MCQs एज यूजुअल डिस्कस करेंगे. और मैं उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि जिस तरह से आप लोग हर बार की तरह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हो और अपने कमेंट सेक्शन जो हैं वो वीडियो आवाज़ थोड़ी कम आ रही है. बाकी लोग भी काइंडली कंफर्म, बाकी लोग भी एक बार कंफर्म करिए. आवाज़ कम आ रही है? आवाज़ ठीक है? आवाज़ ठीक है? या कम आ रही है? ओके, चलिए ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. चलिए. अच्छा, कुछ लोगों को आवाज कम आ रही है. अब वॉइस कम क्यों हो सकती है इसके बारे में, एक सेकेंड. आवाज तो पूरा है यहां से. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इधर मूव. अच्छा, अमित कह रहे हैं आज कुछ इशू आ रहा है, मेरे को लग रहा है कि वीडियो नहीं चल रहा है. ऐसा है क्या? क्योंकि यहाँ पे मेरे वहां तो चल रहा है. चलिए चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम हमारा वेस्ट हो गया नेसेसरी. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शिमला हिल स्टेट्स वॉज द ऑफशूट ऑफ एंशियंट सिरमौर एंड ट्रेस इट्स ओरिजिन फ्रॉम ओल्ड राठौर फैमिली ऑफ सिरमौर. तो चार ऑप्शंस आप सब लोगों के सामने हैं. जल्दी से बताइए कि कौन सा शिमला हिल स्टेट ऐसा है जो राठौर फैमिली, जो कि सिरमौर को बिलोंग करती थी, उसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है. तो चलिए, चार ऑप्शंस आप सब लोगों के सामने हैं. जल्दी से अपना आंसर जो है वो मार्क करिए. हिंट मैं थोड़ा सा दे देता हूँ. 11th-12th सेंचुरी के आसपास अलक सिंह के द्वारा जो है वो स्पेसिफिक रियासत को बनाया गया है. तो पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपका क्या है? ए, दैट इज योर बलसन. क्लियर? तो बलसन जो है ये आपकी वो शिमला हिली स्टेट है जिसको सिरमौर के जो राठौर फैमिली है उसके द्वारा उसकी फॉर्मेशन की गई है. क्लियर? 11th-12th सेंचुरी के आसपास अलक सिंह के द्वारा इस स्पेसिफिक रियासत को एस्टेब्लिश किया गया था. चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. दूसरा है, विच रूलर ऑफ भज्जी चेंज्ड इट्स कैपिटल फ्रॉम मूल भज्जी टू सुन्नी. क्लियर? बाद में वैसे जब भी हम भज्जी की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल जो है वो हम लोगों को सुन्नी ही देखने को मिलती है, लेकिन इनिशियल स्टेजेस पे इसकी जो कैपिटल हुआ करती थी वो मूल भज्जी हुआ करती थी, जिसको जो भज्जी रियासत, अगर मैं इसकी बात करूंगा, इसकी एस्टेब्लिशमेंट या इसकी फॉर्मेशन जो है वो उदयपाल के द्वारा की गई थी. लेकिन सवाल आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सा ऐसा राजा है जिसने सुन्नी में कैपिटल को शिफ्ट किया था. आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आप लोगों को ये देखने को नहीं मिलेगा. क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट आंसर, इसका सेकंड का आंसर आपका है ए, दैट इज योर सोहन पाल. तो सोहन पाल ने जो है वो कैपिटल को शिफ्ट किया था फ्रॉम मूल भज्जी टू सुन्नी. चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. तीसरा सवाल है, ऑन 6 नवंबर 1815 सनद वॉज ग्रांटेड टू राजा ऑफ बुशहर महेंद्र सिंह. अब सनद के बारे में हमने थोड़ा सा एक डिटेल में डिस्कशन लास्ट वीडियो लेक्चर में भी किया था. क्लियर? कि जो सनद है वो
उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो 1815 के आसपास हमारे यहाँ के जो राजा थे उनसे सनद पे साइन करवाया गया था, जहाँ पे उनको हमारे यहाँ के राजा जो है वो जो ब्रिटिश सुप्रीमेसी या सॉवरेनिटी थी उसको एक्सेप्ट करते थे, और उसके साथ साथ यहाँ पे ब्रिटिश को एक्सेस भी दी जाती थी। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं कि जब राजा ऑफ बुशहर महेंद्र सिंह, क्योंकि इससे पहले ये जो बुशहर वाला एरिया था ये गोरखाओं के पास आ गया था, और जैसे ही ट्रीटी ऑफ संगोली साइन हुई तो बुशहर जो है उसके साथ उसके उसने सनद के ऊपर भी साइन किया, और बुशहर के राजा महेंद्र सिंह को ब्रिटिश ने जो गुरखाओं का जो गुरखाओं के कंट्रोल में एम्पायर था बुशहर एम्पायर का, वो रिटर्न कर दिया, वो वापिस कर दिया। लेकिन दो ऐसी जगहें थी जो ब्रिटिश ने अपने पास रखी, उस कंटेक्स्ट में सवाल को डिजाइन किया गया है। चार ऑप्शन आप सब लोगों के सामने है, जल्दी से अपना आंसर मार्क करिए। आप में से मैं देख रहा हूँ वेरी गुड, मैक्सिमम लोग जो है वो ए मार्क कर रहे हैं, ठीक है, नेहा, निखिल, निशा, विकास, गौरव है ना, प्रियंका, तो सारे लोग ए ऑप्शन जो है वो मार्क कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है, जो इसका आंसर आपका है वो है ए, दैट इज रावी एंड कोटगढ़। क्लियर, तो सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, ये भी आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग शिमला हिल स्टेट्स हैविंग कॉमन ओरिजिन, यानी कि जो एक ही रियासत के राजाओं ने या एक ही रियासत के परिवार के द्वारा मल्टीपल रियासतों की फॉर्मेशन की गई है, क्योंकि हम लोग हिमाचल के इतिहास में भी देखते हैं, हम लोग हिमाचल की हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से भाइयों के द्वारा ही दो अलग अलग रियासतें या परिवार के लोगों के द्वारा दो तीन चार अलग अलग रियासतों की फॉर्मेशन की जाती है। तो उसी तर्ज के ऊपर जो है वो स्पेसिफिक क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। चार ऑप्शन आप सब लोगों के सामने है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने पेपर में ऑलरेडी देखा हुआ है, वहां पे ऑप्शन थोड़े से डिफरेंट थे, लेकिन हाँ ये सवाल, इस तरह का क्वेश्चन जो है वो हम लोगों को जरूर वहां पे देखने को मिला। डन, तो देखिए चार ऑप्शन आप सब लोगों के सामने, जल्दी से अपना आंसर जो है वो मार्क करिए। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ, मैक्सिमम जो रियासतें आपकी जो है वो आपकी कुमार साइन जो है या कुमार सेन जो है वहां से मैक्सिमम रियासतों का जो है वो ओरिजिन हुआ है, यानी कि वहां के राजाओं के परिवारों के द्वारा या राजाओं के भाइयों के द्वारा जो है वो बाकी रियासतों का जो इसका आंसर होगा उनकी फॉर्मेशन की गई है। मैक्सिमम लोग आप में से जो है वो सही आंसर कर रहे हैं, डी पे हैं, कहीं कुछ सी भी बोल रहे हैं, डी सी में कंफ्यूजन है, तो इसका आंसर जो है वो आपका है डी, यानी कि ऑल आर करेक्ट, सारी की सारी रियासतें जो हैं उनका कॉमन ओरिजिन है, यानी कि वो एक ही परिवार से या एक ही स्टेट से, स्पेसिफिक स्टेट से वो सारे के सारे उनकी जो है वो ऑफशूट्स निकले हैं, उनकी फॉर्मेशन हुई है। डन, बहुत बढ़िया, शाबाश। फिफ्थ क्वेश्चन, विच रूलर ऑफ कुमारसेन डिफीटेड राजा ऑफ कुल्लू मानसिंह एट खारंगला। क्लियर, देखिए कहानी सिंपल सी थी कि एक आपका एरिया हुआ करता था कुल्लू के बॉर्डर पे, जिसको कुल्लू और बुशहर के बॉर्डर पे, जिसके ऊपर जो है वो राजा ऑफ कुमारसेन जो सॉरी राजा ऑफ कुमार कुमारसेन और जो आपका कुल्लू है उसकी बाउंड्री पे कुछ एरियाज को जो है जिसका आंसर यहाँ पे आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, उनके भी उसने कुछ एरिया जो है वो कुल्लू के राजा का एक्वायर कर लिया था, जिसके कारण दोनों के बीच में बैटल हुई, अल्टीमेटली जो कुल्लू का राजा था उसकी हार हुई। तो आंसर आप लोगों से सवाल पूछा गया है कि कौन है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, उस राजा का नाम है अजमेर सिंह, वेरी गुड, मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो आज बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। चलिए सिक्स क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शिमला हिल स्टेट्स वॉज फाउंडेड बाई द डिसेंडेंट्स ऑफ पृथ्वीराज चौहान, जब मोहम्मद गौरी ने अटैक किया था, जब मोहम्मद गौरी का रूल दिल्ली में एस्टेब्लिश हुआ या जब उसने दिल्ली वाले एरियाज को एक्वायर करना शुरू किया, तो बहुत सारे ऐसे राजा थे जो हिली एरियाज की तरफ शिफ्ट हुए, उन्हीं में से एक राजा हिली एरियाज की तरफ शिफ्ट हुआ, वहां पे उसने पहाड़ों में यानी कि हमारे हिमाचल में उसने शरण दी और यहाँ पे एक सल्तनत की एस्टेब्लिशमेंट की, एक सल्तनत जो है उसकी फॉर्मेशन की। तो जल्दी से चार ऑप्शंस आप सब लोगों के सामने हैं, बताइए जरा शाबाश क्या इसका आंसर है, बहुत बढ़िया शाबाश, वेरी गुड, इसका आंसर आपका है धम्मी, दैट इज योर बी आंसर या बी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, सेवंथ, हु सेड दिस, एक स्टेटमेंट दी गई है, एक ब्रिटिश हस्ती थी, महान हस्ती थी जो हिमाचल में भी आई थी, हु सेड दिस, द एम्परर ऑफ चाइना एंड आई गवर्न हाफ ऑफ द ह्यूमन रेस एंड येट वी फाइंड टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। ये स्टेटमेंट शिमला के अंदर पहुंच के एक बहुत बड़ी हस्ती के द्वारा दी गई है, उसी हस्ती के बारे में आप लोगों से जो है वो सवाल पूछा गया है, जल्दी से आंसर बताइए शाबाश। सेवंथ का सर आंसर जो है, काफी लोग जो है वो लॉर्ड कंबरमेर बोल रहे हैं, काफी लोग जो है वो लॉर्ड एमहर्स्ट बोल रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए उस टाइम पे गवर्नर जनरल हुआ करते थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो उस टाइम पे कहा जाता था, डेजिग्नेशन दी जाती थी, ये स्टेटमेंट 1827 में दी गई है, 1827 में दी गई है, जब लॉर्ड एमहर्स्ट और उनके साथ जो वो लॉर्ड कॉम्बरमेयर भी थे, जो भारतगढ़ जो कि एक राजस्थान में आपकी एक रियासत थी उसके कैंपेन पे गए थे, उसको कंट्रोल करने के लिए गए थे, और उस कैंपेन के बाद वो सीधा शिमला आए, शिमला में 2 महीने तक कैनेडी हाउस में रहे, ये आपके लॉर्ड एमहर्स्ट, क्लियर, तब उन्होंने जो है वो ये स्टेटमेंट दी कि
क्लियर, क्योंकि वहां पे मजे से रिलैक्स होकर बैठे होते। फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि किस तरह से चाइना का राजा और जो मैं हूँ उसने अप्रॉक्सीमेटली दुनिया की 50% जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर कंट्रोल एस्टेब्लिश किया हुआ है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ दी गई। यहाँ पे 2 महीने रहे शिमला में, शिमला की वादियों को इंजॉय किया और उसके बाद वापस अपने काम पे चले गए। तो ये स्टेटमेंट देखिए, इस तरह के अलग अलग डाइवर्सिफाइड क्वेश्चन जो है उसके बनाए जाते हैं ताकि आपको आइडिया लगे कि स्टेटमेंट्स किसने दी है वो भी पता होना चाहिए, पहला ब्रिटिश कौन था उसका भी पता होना चाहिए। क्लियर, तो आपको अलग अलग डायमेंशन में जो है वो चीजों को सोचना है। चलिए अगला चलते हैं, 8th क्वेश्चन। 8th है, दी अलायंस बैंक ऑफ इंडिया वॉज सॉरी दी अलायंस बैंक ऑफ शिमला वॉज ओपन्ड इन। क्लियर, अब नो डाउट ये बैंक जो है अभी आपको आजकल के टाइम पे तो देखने को नहीं मिलेगा। 1923 में ये बैंक क्लोज हो गया था। ये बैंक सबसे पहले शिमला में ही बना था जब ये क्लोज हुआ 1923 में। क्लियर, जब 1923 में ये बैंक क्लोज हुआ तो उस स्पेसिफिक टाइम पे बहुत ज्यादा जगहों पे पाकिस्तान की काफी एरियाज पे, पेशावर वगैरह में इसकी अपनी अपनी ब्रांचेस हुआ करती थी। तो सवाल है, अब तो चलो नहीं है, लेकिन क्योंकि हिस्ट्री में हमें इसका ये मेंशन होता हुआ देखने को मिलता है, यही कारण है हम लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया शाबाश, इसका आंसर आपका है बी, दैट इज 1874। चलिए अगला क्वेश्चन, 9th है, इन विच ईयर शिमला कालका रेलवे लाइन वॉज ओपन्ड फॉर ट्रैफिक। ध्यान रखना है यहाँ पे, एक आपका है ओपन्ड फॉर पैसेंजर, वो अलग ईयर आएगा उसमें, ओपन फॉर ट्रैफिक जो है वो अलग उसका आएगा। आप लोगों को जो है वो ईयर भी पता होना चाहिए, डेट भी कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए। आंसर आप लोग बताइए। वैसे डेट जो है जिस दिन ओपन की गई थी ट्रैफिक के लिए वो 1891, सॉरी मैंने आंसर भी बता दिया, पर चलो ठीक है, इसका आंसर जो है वो 1891 है, दैट इज 31st मार्च 1891। क्लियर, इसके साथ साथ जल्दी से अपने ऑप्शन में बताइए शाबाश कि सबसे कितनी जल्दी से आंसर करेंगे सारे लोग क्योंकि आसान सवाल है ये, कितनी टोटल टनल्स हैं, नंबर ऑफ टनल्स कितनी है, जो लॉन्गेस्ट टनल है वो कौन सी है, कितनी उसकी लेंथ है। क्लियर, जल्दी से आंसर करो शाबाश, वेरी गुड, मैक्सिमम लोग जो है वो सही आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, पैसेंजर्स के लिए 1903 में, पैसेंजर्स के लिए जो है वो, अगर पैसेंजर के ऊपर सवाल है तो 1903 में खोली गई थी। ट्रैफिक के लिए इसका जो ओपनिंग है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलती है। क्लियर, चलो बरोग बरोग है गौरव, बरतोग बरोग बड़ोग जिसको आप कहते हो आसान भाषा में, ठीक है। चलिए 103 बुक्स में मैक्सिमम 103 लिखा गया है, कई जगहों पे हमें 108 भी मेंशन, 109 भी मेंशन होता हुआ देखने को मिलता है, क्योंकि जब बनी थी तब 103 थी, उसके बाद इन्होंने कुछ नई टनल्स का निर्माण किया था। क्लियर, बहुत बढ़िया शब्द, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट लास्ट सवाल आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये थोड़ा सा आपको फैक्चुअल क्वेश्चन लगेगा, लेकिन अगेन आपको थोड़ा सा जो है कुछ चीज के लिए ध्यान रखना है। डन, हाँ अभी 102 ही है, जो लास्ट वाली टनल है वो काम नहीं हो रही है। देखिए चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए जरा शाबाश, जो स्नोडन हॉस्पिटल वाज रिनेम्ड टू आईजीएमसी इन 1985, क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सेकंड, रिपन हॉस्पिटल वाज रिनेम्ड टू दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल इन 1990। तीसरा है, विक्ट्री टनल वाज कंस्ट्रक्टेड 1945। ब्रिटिश सोल्ड बदौली टू बल्सन स्टेट फॉर ₹10,000। ये एक्चुअली जो है वो आपका क्लियर 10 सवाल है, आज बड़े ज्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पर चलो कोई बात नहीं ठीक है। हाँ देखिए, ये जो बदौली थे ना, बदौली के जो राणा हुआ करते थे, यानी कि वहाँ के जो रूलर थे, उनकी देहांत हो गई थी और उनका कोई बेटा, मतलब कोई हीयर नहीं था, कोई बेटा बच्ची नहीं थी, यही कारण था उसको ब्रिटिश ने अपने कंट्रोल में ले लिया था और उसके बाद उन्होंने उसको बल्सन स्टेट को सोल्ड कर दिया। अब देखो जो अमाउंट है वो बेसिकली कई जगहों पे 8,000 लिखा हुआ है, कई जगहों पे जो कई बुक्स में जो हमें 8,500 देखने को मिलता है, तो बेसिकली जो है वो 8,500 रुपया जो है उसमें बल्सन स्टेट को जो बदौली ठकुराई थी उसको सोल्ड कर दिया गया था बाय दी ब्रिटिश, जो कि ब्रिटिश के कंट्रोल में हुआ करता था। क्लियर, तो ये सवाल आप सब लोगों के सामने है। अब जल्दी से जो है वो बताइए कि जो आपके 10 सवाल हैं इनमें से कितने क्वेश्चन जो है, कितने प्रश्न जो है वो आपके करेक्ट हैं। क्लियर, जो 10 क्वेश्चन हैं इनमें से कितने सवाल आप लोगों के सही हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर डालिए, जल्दी से डालिए शाबाश, जल्दी से। चलिए यार, आज थोड़ा सा टेक्निकल थोड़ा के ज़्यादा ही प्रॉब्लम रहा, पर आई होप आप लोगों को जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो पर्पस है, कि एटलीस्ट रिवीजन हो जाना चाहिए और आप लोग रिवाइज भी कर रहे हो, आपके जो आंसर्स हैं उनको देख के प्रतीत हो रहा है, उनको देख के पता भी चल रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें। क्लियर, तो लेकिन आज आई डोंट नो क्यों इतना इशू आ रहा है, लेकिन अगेन ये जो फाइल है हमारी, इसकी इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। वैसे हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है हिमाचल प्रदेश GK तूफानी पहाड़ी ब्रैकेट में। क्लियर, तो उसको आप सब्सक्राइब, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप लोग इस स्पेसिफिक फाइल को जो है वो डाउनलोड कर सकते हो।
ये आपको ये जो क्विज है ये बहुत मुश्किल नहीं था, इसको मैं ऑन एन एवरेज जो है उस क्विज मानूंगा, यानी कि अगर आपने 7-8 सवाल ठीक किए हैं तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, अगर 3 या 4 सवाल ही सही हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को और ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है, मेहनत की जरूरत है। यहाँ तक कहानी सबको क्लियर आ रहा है? ठीक है, अब देखिए अगला शेड्यूल देख लीजिए क्या है। तो आज हमने हमने 3 डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा चंबा शिमला कर लिया है, 13 तारीख को हम लोग बिलासपुर करेंगे और 16 तारीख यानी कि मंडे को हम लोग हिस्ट्री ऑफ कुल्लू करेंगे। पहले मैंने उसको 14 में रखा हुआ था लेकिन हम उसको जो है वो 16 को करेंगे, थोड़ा सा आप लोगों को जो है वो गैप भी मिल जाएगा। क्लियर? तो ये सारे का सारा जो है वो, अब अगली बार आप कुल्लू पढ़ना, जैसे कल हम लोग बिलासपुर के बारे में डिस्कस करेंगे तो बिलासपुर का इतिहास हमें इतना मुश्किल नहीं लगेगा। आई थिंक बिलासपुर को इवन ऐसे बच्चे भी जिन्होंने अभी तक बिलासपुर नहीं भी पढ़ा है और वो इस क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो भी 2-3-4 घंटे में बिलासपुर की हिस्ट्री को कवर कर सकते हैं। तो कल का क्विज हमारा थोड़ा आसान होने वाला है, ऐसा नहीं है जैसे शिमला है, कुछ चंबा है या हमारा कांगड़ा है, तो बहुत बड़ी बड़ी रियासतें हैं। क्लियर? या बहुत ज्यादा स्टेट्स जो है वो हम लोगों को देखने को मिलती हैं, तो ये कंपेरेटिवली कुल्लू वगैरह जो है या बिलासपुर जो है, अब हमारे लिए थोड़ी हिस्ट्री आसान हो जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन अगेन हमारा कर्तव्य है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक डिस्ट्रिक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देना, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि कांगड़ा से सवाल नहीं आया, चंबा से क्वेश्चन नहीं आया लेकिन सिरमौर से क्वेश्चन आ गए। क्लियर? लाहौल एंड स्पीति से क्वेश्चन आ गए, किन्नौर से, किन्नौर तो चलो आपका बुशहर रियासत का ही पार्ट था, वहां से क्वेश्चन आ गए। तो इस तरह से जो है वो हम लोगों को सारी की सारी चीजें जो वो कंप्लीट करनी है, हर एक डिस्ट्रिक्ट को आपने इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि एग्जाम में ये पता है कि डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे लेकिन किस डिस्ट्रिक्ट को ज्यादा तवज्जो ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी इसके बारे में हम बहुत क्लियरली जो है वो विजुलाइज नहीं कर सकते हैं। तो कल एक बार फिर से मिलेंगे, इसके साथ साथ कुछ हमारे इनिशिएटिव है ना जो आप लोगों को आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये हमारा नंबर है अगर आप किसी भी चीज की और इन्फॉर्मेशन जो है वो जानना चाहते हो। तो चलिए आज के सेशन को यहीं कंक्लूड करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।